क्या ईवीएम खिलौना है? देश के 11 राज्यों में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान हुआ, लेकिन देश के 2 राज्यों से मतदान की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान है और हर किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या ईवीएम खिलौना है। ना ही ईवीएम खिलौना है और ना ही ईवीएम किसी के पिता की। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। पहले बात करते हैं भोपाल के वीडियो की, जहां एक 7-8 साल के बच्चे ने मतदान किया। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, 18 साल से कम का कोई भी इंसान मतदान कैसे कर सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। वोटिंग के दौरान भाजपा के एक नेता ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। भोपाल में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर पर नाबालिग बेटे से वोट डलवाने के आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी ने नहीं लगाए, बल्कि विनय ने खुद एक वीडियो बनाया है जिसमें वह अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनय मेहर ने यह वीडियो अपने फेसबुक पर पोस्ट भी किया, हालांकि बाद में उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। देखिए वो वीडियो। हाँ, बस बस छोड़ दिए, छोड़ दिए, हो गई बेटा। क्या डायमंड? चलो। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि इस मामले की कार्रवाई की गई, जांच सही पाए जाने पर इसके बाद पुलिंग बूथ क्रमांक 71 में तैनात पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो बना रहे शख्स विनय मेहर के खिलाफ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 951 की धारा 128 और IPC की धारा 178 के तहत FIR दर्ज करवा दी गई है। इसके एक दिन पहले गुजरात का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें BJP नेता के पुत्र पर EVM मशीन को कैप्चर करने के आरोप लगा है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले का खुलासा किए जाने पर चुनाव आयोग में शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। BJP नेता के पुत्र ने EVM को कैप्चर करने के साथ ही उसे लाइव भी किया। इस दौरान उसने काफी अपशब्दों का भी प्रयोग किया। वीडियो में आरोपी को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि EVM वगैरह सब मेरे पिता की है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया।